हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम आज आए हुए हैं दुमानी और हमारे साथ हैं यहाँ पे सुमित भाई, जो कि आगे में वीडियो बना रहे हैं। और पीछे का कुछ यू सीन है, पहाड़ वादियाँ, और वहाँ पे बादल भाई खड़े हैं। ये देखिए गाइस, रोड का हालत कुछ इस प्रकार है। पंचायत वेब सीरीज वाला डायलॉग याद आ रहा है अभी, ये प्रधानवा रोड नहीं बनवाते हैं, गाँव वाला रोड में घुस चुके हम। चलिए गाइस, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे भोले बाबा की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, जो कि दोबो में भूम शंकर नाम के मंदिर से जानी जाती है। तो यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, तो आप सभी को हम दिखाने जाएंगे। अभी इस साइड में है आपका रिवर है, जो कि बहुत सुंदर है, वहाँ पे भी जाएंगे, और उधर में भी है बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारे साथ में बादल भाई हैं और सुमित भाई हैं, सुमित भाई की गाड़ी है, सब कोई आ चुके हैं। और हमारे कैमरामैन, जो कि हमेशा से साथ देते हैं, हमारे माधव भाई, वो भी आज आ चुके हैं। सामने माधव भाई का घर इधर सामने में ही है। क्या बोलेंगे, कुछ देख पता चल रहा है। चलिए तो आगे हम आप सभी को दिखाते हैं, जो कि मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो गाइस, हम आपको अभी शिवलिंग की 360 डिग्री दिखाते हैं, गोल घूम के। प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, जो कि एक अच्छे लोकेशन में बसी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आज जो कि संडे है, तो आज यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पूरा रिवर है जो कि साथ में ही है। लोकेशन बहुत ही सुंदर है। ये है कुछ पीछे से, और आगे आपको दिखाते हैं। और ये इधर से है कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे नंदी भगवान है। ओके, आगे से कुछ ये डेस्टिनेशन है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप भी आ सकते हैं विजिट करने के लिए। अगर आप जमशेदपुर के लोकल हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखो गाइस, कुछ सिनेमेटिक फ़ोटो भी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा। ये पेड़ है, ये पेड़ से ऐसे करके धीरे 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 भोले बाबा को दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी औसम आ रही है वीडियो। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर, तो आप सभी को दिखाते हैं आगे नीचे में क्या सीन होने वाला है। तो नीचे का कुछ इधर से सीन है, ऐसा रास्ता है मतलब, तो हम नीचे जाके दिखाते हैं आपको आगे क्या डेस्टिनेशन होने वाला है। यहाँ पे मतलब अच्छी टूरिस्ट जगह है, मैं बार बार बोल सकता हूँ कि आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भोलेनाथ की प्रतिमा क्या ही सुंदर दिखती है, हमारे महादेव की। जय भोलेनाथ। गाइस, क्या ही लोकेशन है, देख के मज़ा आ जा रहा है, क्या ही सुंदर। वो है, आपको याद होगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आया था, तो वहाँ पे गंगा आरती थी, क्या ही भीड़ थी वो उस साइड में। और यहाँ पे पूरा रिवर ही रिवर है, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुमित भाई बैठा हुआ, कहाँ गया यार, धूप से दिख नहीं रहा है, अभी तो वहीं पे बैठे थे, बाद बाकी लग रहा निकल गया वहाँ से। मतलब सुंदर ही व्यू है। और यहाँ पे कुछ बनाया हुआ, पता नहीं ये क्या है। तो हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। वो देखिए सुमित भाई अभी दिखे मुझे, वो देखिए वो बैठे हैं, देखे। चलिए उनसे भी पूछते हैं क्या कर रहे वो। चलते हैं फिर, यहाँ का ये है रास्ता कुछ। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सुमित भाई का क्या प्लान है पता नहीं, चलिए उनसे पूछते हैं आगे का क्या सीन है। सुमित भाई से जानते हैं कि क्या सीन है यहाँ का, क्या सीन है सुमित भाई। नदी है, उधर से आ रहा नदी। ओ देख लो गाइस, क्या ही है यहाँ पे, एक दो फोटो खिंचाते हैं। और वहाँ मंदिर में आरती शुरू हो गई है, तो क्या ही व्यू आ रहा है यार, आसमान से लेके सब कुछ मतलब फुल अच्छा आ रहा है क्या। चलिए एक दो फोटो खिंचाते हैं। और यहाँ पे ये पत्थर है, हम पहाड़ पे हैं, नदी से काफ़ी करीब है, ये आपको नदी का पानी का सैर कराते हैं। गाइस पानी के पास आ गए हैं, और ये है पानी कुछ, हमारा हाथ कहाँ है यार, ये है पानी में। यहाँ पे पत्थर मारते हैं हम लोग।
बैठ के यहाँ पे पत्थर मारने का कुछ अलग ही मजा है। मछली है, देखिए मछली है, मछली दिखी है सुमित भाई को, रुकिए देखते कहाँ पे है। वो झाड़ी के नीचे लग रहा है मछली है, कहाँ पे नीचे मछली है, देख ना बारी बारी मछली है। हाँ हाँ, कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा। देख 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 देख, भाग लीजिएगा, पानी एकदम साफ है, पानी साफ है, कैमरा में शायद नहीं दिखे, लेकिन हमने आँख से देख रही है मछली उछली। गाइस वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुमित भाई और बादल भाई वहाँ पे अपना शूट कर रहे हैं, कुछ अलग ही सीन है। और एक भाई हैं जो कि दिनेश सर नाम है उनका, वो आ चुके हैं लेकिन वो उस साइड में है, तो हमको उन बुलाया है घुमा के आने के लिए, जो कि ये मंदिर का लोकेशन दिया है, बूम शंकर मंदिर है, तो वो आ रहे हैं शायद। देखिए अभी उनको लोकेशन बता दिया हम लोग, क्योंकि गूगल में व्हाट्सअप में हमने उन्हें लोकेशन दे दिया, तो वो आ रहे हैं। हमारा मीटअप आज भी लग रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग आए तो नहीं हैं, बट फिर भी सक्सेस है। और यहाँ पे जूते में पूरे बालू घुस चुकी है, मज़ा आ रहा भाई। भले यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन घूमने में मज़ा आ रहा है। नए नए लोगों से यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और अभी कहाँ है पता नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे, और शूट हो रहे हैं, सुमित भाई इधर खड़े हैं अकेले में, और यहाँ पे शॉट्स राज माधव भाई कैमरा मैन। पहला गियर है आगे, पहला है सबसे नीचे, पहला है उसको ऊपर, न्यूट्रल है, आओ गियर आराम से। ऐसे थोड़ी होगा, वीडियो में ले रहा क्या ये सब? इसमें क्या है, सबसे पहले ये ऐसे तो मेरा गाड़ी में नहीं हो रहा था। अभी आ चुके हैं हमारे एक्सप्लोरिंग विद दिनेश सिन्हा, जो कि भैया यहाँ पे है। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, आप फर्स्ट मीटअप में भी मिल लिए थे सबसे, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सभी से मिल चुके हैं आप, और आप इन्हीं से मिल सकते हैं, जो कि अब इनके बारे में कुछ जानिए, चैनल के बारे में अपना कुछ इंट्रो दीजिए। एक्चुअली मेरा चैनल का नाम है एक्सप्लोरिंग विद दिनेश सिन्हा, और हम लोग बेसिकली जमशेदपुर रिलेटेड और भी अदर साइड्स भी जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसको तो जानते हैं अभिषेक, और अभी इनका नया वीडियो आया है पूरी जगन्नाथ के ऊपर, पूरी कहते तो जगन्नाथ मंदिर आज सुबह ही पोस्ट हुआ, उसको जाके देख सकते हैं कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय। गाड़ी है लुक तो सकता ना, दाम सुन के क्या कैसा लग रहा है, प्राइस सुन के, प्राइस सुन के तो भाई अफोर्डेबल है, शॉप लगे BMW 3 लाख 80 इससे का 2 लाख पड़ गया भाई साहब, क्या लग रहा है यार, मस्त है। तो एक बार ठोक ठाक के आइए, ठोक ठाक के मत आइए, सुबह में ही मेरा हल्का सा। आपका तो देखे थे बीच में, आप लोग गए थे लंबा राइड में, उसमें बहुत लंबा, बहुत जल है उसमें। सभी यहाँ से निकलने का प्लान हो रहा है, गाड़ी में बैठ चुके हैं सुमित भाई, सुमित भाई का टी शर्ट आप लोग देखे कि नहीं, ये देखिए सुमित मिश्रा ब्लॉग, और वहाँ पे हैं दिनेश सिन्हा भाई, और पीछे से आ रहे हैं JSR 87। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन होने वाला है। ये कुछ यहाँ पे खड़े हैं भाई लोग, ये है जे सारे पिक्चर है यहाँ पे सीन। अभी निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ, जो कि हम हैं सब है, पीछे तरफ से आ रहे होंगे, देख रहे हैं क्या पीछे तरफ,
ये देखो पीछे तरफ सब लोग आ रहे हैं गाइस। ये है जमशेदपुर का दलमा पहाड़, जो जमशेदपुर लोकल है वो जान ही रहे हैं। ये देखो जमशेदपुर से यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो गाइस दिनेश सर जा रहे हैं घर, बाय बाय करके निकलना है। नेक्स्ट ऊपर ऊपर